नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीबीसी ब्रेकिंग में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सैफ अली खान की फिल्म भूत पुलिस मूवी के ओटीटी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और आप लोगों को बताएंगे कि भूत पुलिस मूवी अपने आज के दिन कितने करोड़ रुपया कारोबार कर रही है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं, देखते रहेगा पूरा वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं भूत पुलिस मूवी की। तो आप लोगों को बताया चले कि भूत पुलिस मूवी जो कि एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है, इस फिल्म में आप लोगों को सैफ अली खान और अर्जुन कपूर नजर आएंगे, जो कि तांत्रिक का रोल करते हुए नजर आएंगे, और बहुत ही जोरदार और बहुत ही शानदार तरीके से इस फिल्म में आप लोगों को हंसी के तड़के हुए मिलेंगे। दोस्तों इस फिल्म में वही सैफ अली खान वही अर्जुन कपूर के साथ अपोजिट में नजर आई हैं यामी गौतम, और वहीं दोस्तों आप लोग बताए चले कि जैकलिन भी नजर आई हैं। दोस्तों भूत पुलिस मूवी एक हॉरर कॉमेडी होने के कारण इस फिल्म को इंडियन ऑडियंस बहुत अच्छा तरीके से प्यार दे रही है, और इस फिल्म को अच्छी खासी ओपनिंग भी मिली। इस फिल्म को ओटीटी पर रिलीज करके सैफ अली खान का बहुत ही बड़ा डिसीजन है, इसी कारण यह फिल्म को अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी भी मिल गई और इस फिल्म ने अच्छा खासा कलेक्शन भी कर लिया। बात कर लेते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो आप लोगों को बताया चले कि सैफ अली खान की फिल्म भूत पुलिस मूवी ने अपने पहले दिन अच्छी खासी ओपनिंग ली थी, और जोरदार और दमदार तरीके से इस फिल्म ने बहुत ही शानदार तरीके से कारोबार किया था और कमाए थे 10 करोड़ रुपए। वहीं बात कर लेते हैं आज के दिन की। तो आप लोग बताए चले कि आज के दिन सैफ अली खान की मूवी जो कि भूत पुलिस मूवी का 21वां दिन है, और अपने 21वें दिन में यह फिल्म आप लोगों को बताया चले कि 4 लाख का कारोबार कर रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। अगर आप लोगों ने भूत पुलिस मूवी देखी है तो आप लोगों को भूत पुलिस मूवी कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे अगर आप लोग नए हैं तो जीबीसी ब्रेकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें, ताकि हमारी इस लेटेस्ट अपडेट बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस और वहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। घर पर रहें, सेफ रहें और सुरक्षित रहें।